लगातार बारिश के कारण हुए जलभराव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नाव लेकर सड़कों पर उतरे, हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार बताए। मामला फरीदाबाद का है, जहां कांग्रेसी प्रवक्ता के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की जमकर चर्चा हो रही है। दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 का है, जहां नाव में सवार दिखाई दे रहे यह कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ है। दरअसल कल रात से ही शहर में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। सुमित गौड़ नाव लेकर सड़क पर उतर आए और सांकेतिक रूप से अपना विरोध जताया है। सुमित गौड़ ने कहा कि एक ही बरसात ने स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहे तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। जगह जगह से लोगों के फोन आ रही हैं कि उनके घरों तक में पानी भर गए। सुमित गौड़ ने कहा कि यह सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि 2014 से पहले का फरीदाबाद ही हमें वापस दे दिया जाए। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मस्त है जबकि जनता त्रस्त है। आप देख रहे हैं एक ही बारिश में इस बीजेपी की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का नर्क सिटी बन के रह गया है। सड़कों पे 5-5 फुट पानी है, लोगों के फोन आए कि जी घरों में पानी है, सड़कों पे पानी है, हमारी गाड़ियां खराब पड़ी हैं, स्कूटर खराब पड़े, चोटें लग गई हैं, कम से कम नाव में हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा दो। आज हमने नाव मंगवाई कई जगहों से, तो उसी में एक सिंबॉलिक के रूप में यहाँ भी हमने एक यहाँ पर अगर हम हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि आम आदमी को सारी सुविधाएँ मिले और इस बीजेपी सरकार को, जो बीजेपी सरकार है, खटारा सरकार, लाचारा सरकार, इनके विधायक जो कहते हैं हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सब आज एक हाल हो गया। पिछले इन्हें 7 साल हो गया इस सत्ता में संभाले हुए, लेकिन आज ये बिजली पानी हर मुद्दे पे फेल है, क्राइम पे फेल, जीडीपी पे फेल, बेरोजगारी। लेकिन हमारी तो एक ही मांग है इनसे कि 2014 से पहले का जो ये देश हरियाणा हुआ करता था, जो हमारा फरीदाबाद हुआ करता था, हमें तो वही लौटा दो, बाकी हम कांग्रेस जन संभाल लेंगे। क्योंकि हमारी नीति और नियत जनसेवा की है, इनकी नीति और नियत में खोट है। फर्जी बिल बन रहे हैं, पास हो रहे हैं, नगर निगम घोटाला आपको पता है। आज सड़कों पे पानी है एक ही बारिश में, अभी तो एक बारिश और 2 दिन की बारिश अभी और है, तो आप देखिए लोगों की 8-8, 10-10 लाख की गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। और मेरा एक स्लोगन आज बिल्कुल फिट बैठता है, सरकार मस्त जनता त्रस्त। बल्लभगढ़ फरीदाबाद क्षेत्र की जनता परेशान है, तब तक मैं तो चुप बैठूंगा नहीं, ना हमारे कांग्रेस में चुप बैठेंगे। हम लोग इस बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास करते रहेंगे। जनसेवा के दीवाने हम लोग, हम हैं जनसेवा के दीवाने।